कांटी थाना क्षेत्र के सदातपुर गांव का रहने वाला एक युवक 6 दिनों से लापता है। परिजन अपने स्तर से लगातार खोजबीन कर रहे हैं। 1 सप्ताह बीतने को है लेकिन अब तक युवक का पता नहीं चल पाया है। परिवार के लोग काफी चिंतित और परेशान हैं। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो जिसको लेकर परिजन काफी चिंतित है। इस संबंध में लापता युवक के पिता मोहम्मद इस्लाम ने अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट कांटी और अहियापुर थाना में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि उनका 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद इब्रार अहमद उर्फ आलिद प्रतिदिन की भांति बीते 9 नवंबर बुधवार के दिन घर से सुबह 9:30 बजे सिलाई सीखने के लिए बैरिया स्थित लक्की टेलर गया था। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन वह सिलाई सीखने सुबह में जाता था और शाम तक वापस घर लौट आता था। उस दिन बुधवार की देर रात तक इब्रार घर वापस नहीं लौटा। यहाँ से 9:30 बजे निकला, खाना उना खा के सुबह में, फिर दोपहर का खाना पैक करके उसको टिफिन में दिए। 9 तारीख को निकला है। फिर यहाँ स्कूल में उसका ही सर रजिस्ट्रेशन था, तो भाई के साथ किया तो रजिस्ट्रेशन कराया 2 बजे। फिर उधर से आके यहाँ दुकान पर उसको पहुँचाया गया। पहुँचा के लड़का हमारा घर आया, वो दुकाने के अंदर रह गया। खाना उना दोपहर का खाना नहीं खाया। फिर अब बीच में अब का हुआ नहीं हुआ सो तो हम लोग नहीं गए बीच में देखने उसको। यही बात है। मानसिक तनाव भी था? कुछ नहीं खा था। और मानसिक तनाव रहता तो घर से खाना उना नहीं ना लेके जाता, खाना खा के नहीं ना जाता। सब कुछ खा के गया, अम्मी कहा, पापा कहा, भैया कहा, हर चीज से बोल के हंस के खेल के यहाँ से गया दुकान पर। कुछ उसको तनाव नहीं था यहाँ घर से। क्या नाम है? इब्रार अहमद। उम्र कितना होगा? 17 साल। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या हुआ? हम लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई दुश्मनी से ना कोई उठा लिया कि क्या हुआ, यही हम लोग का शक में है। हम लोग से तो दुश्मन ही नहीं था कोनो से। बच्चा कोई काम सीखने जाता था उसके जगह पर कोई दुश्मन ही करना होगा तो कोई कह के अपना कुछ पुन्ना सधाया होगा। अब तो हम नहीं जानते ही सब बात। हम लोग तो यहाँ है। कितना दिन हो गया गैप में? 9 तारीख से हुआ है तो 6 दिन हो गया। 9 तारीख रात में गायब हुआ? गायब हुआ है। हम किसके पर शक करें? हमको तो किसी पर शक करने का ही नहीं है कि हमको दुश्मनी किसी से नहीं था। सगे संबंधियों से पता किए? सब जगह पता किए हैं सर। कहीं बाहर जाने उने की चर्चा कर रहा था? वो तो चर्चा हमसे नहीं किया था। वो तो पढ़ने वाला लड़का था तो हम लोग से नहीं कभी बोला कि हाँ हम बाहर उहर जाएंगे। कभी नहीं सोचा वो कभी। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि हाँ बाहर निकलेगा वो? कभी कहता तो उसको हम काम उसमें से छोड़ा के पैसा देते कि हाँ जा घूमना है तो घूम के आओ। यही बात है। लेकिन हमसे कभी बोला नहीं बच्चा वो। कितने भाई बहन हैं? 3 गो लड़का है, 3 ठो लड़की है। आपको क्या लग रहा है इसमें जो क्या होना चाहिए? होना चाहिए जो आप लोग जो करते हैं प्रक्रिया सो करिए, खोजना ढूंढना करिए। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों? हाँ तो हमारे तक पहुँचे बच्चा वही ला था आपको पकड़े हैं कि हाँ मिलेगा तो आप हमसे पहुँचाइएगा हमारे में ला के। हाँ सर वही चाह रहे हैं हम। जिस दिन से जिस गायब हुआ उस दिन से हम लोग खाना पीना कुछ नहीं खा रहे। सब आदमी घर में दबी पन्ना टेंशन से, कहीं मिले तो हमारे सामने में पहुँचा दीजिए माए बाप के भीड़ में, समझे। नाम क्या हुआ आपका? रविया खातून। घर? शाहजहांपुर बैरिया। आज न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।